हाँ जी, 25 पार्टिसिपेंट्स, बाकी कहाँ गए सारे? हम सारे पुराना लिंक ट्राई कर रहे थे, हम धीरे धीरे ज्वाइन कर अच्छा, रहे हैं। मैंने आपको न्यू लिंक भेजा ना, पुराना लिंक तो एक्चुअली ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ था, तो उसमें मैं दोबारा नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने पर्सनल आईडी से आपको इनवाइट भेजा है, वो पासवर्ड वर्क नहीं करेगा। ऑटोमेटिक जनरेशन थी, तो मैं नेक्स्ट टाइम जो भी करूंगी वो डिफरेंट होगा उससे। हाँ जी, आई एम रिपीटिंग। पास वन, पास वन में हमने क्या किया था? फर्स्ट हमने कंपेयर किया 32 एंड 51, विच वन इज द स्मॉलेस्ट। 32 इज स्मॉलेस्ट, तो 32 जो है वो आपका उसी पोजीशन पर रहा, देयर इज नो चेंज। 51, 27 में से कौन सा स्मॉलर है? 27 इज द स्मॉलर वैल्यू। इंटरचेंज दीज टू वैल्यूज, जो भी वैल्यू आप इंटरचेंज कर रहे हो उसको बबल में शो कर रहे हो। ये दिख रहा है सबको सर्कल में? दिस पीडीएफ इज विजिबल। यस मैडम। ओके, सो नेक्स्ट कंपैरिजन कहाँ होगा? 51 एंड 85 में कोई इंटरचेंज नहीं है, सिंस 51 इज स्मॉलर। 85, 66 में अगर हम कंपैरिजन करते हैं, सो विच वन इज स्मॉलर? सिक्सटी 85, 66 में तो सिक्स 66 सिक्सटी सिक्स इज स्मॉलर, सो इंटरचेंज दीज टू वैल्यूज। देन नेक्स्ट कहाँ पर होगा? 85 एंड 23, स्मॉलर वैल्यू इज 23, सो अगेन इंटरचेंज दीज टू वैल्यूज, और जो भी इंटरचेंज करते हो उसको सर्कल में शो करोगे आप। 85 एंड 13 कौन से में इंटरचेंज होगा? 13 एंड 85 विल बी इंटरचेंज, स्मॉलर वैल्यू विल कम फर्स्ट एंड देन योर लार्जर वैल्यू। जस्ट अ सेकेंड प्लीज। हाँ जी, अगेन 85 एंड 57 दीज वैल्यूज विल बी इंटरचेंज, और लास्ट में आपको क्या मिल चुका है? जो भी लार्जर वैल्यू थी वो आपकी आ चुकी है लास्ट पोजीशन पर। पास टू में क्या होगा? कंपेयर 32 एंड 27, स्मॉलर इज 27, इंटरचेंज दीज टू वैल्यूज। नेक्स्ट 32 एंड 51 में से स्मॉलर वैल्यू इज 32, सो देयर इज नो चेंज। 51 एंड नेक्स्ट कंपैरिजन कहाँ आएगा? 51, 66, अगेन देयर इज नो चेंज। 66, 23 में से इंटरचेंज दीज टू वैल्यूज, 13, 57, 85। नेक्स्ट क्या आएगा? 27, 32, 51, 23 एज इट इज, 23। और नेक्स्ट कहाँ पर आएगा? 66 और 13 में जब आप कंपैरिजन करोगे, 13 एंड 66 विल बी इंटरचेंज, 57, 85 एज इट इज। अब क्या आएगा? 27, 32, 51, 23, 13 as it is होंगे। 66 और 57 का comparison करेंगे, 57 will come first and 66. Next largest element कौन सा था? Second largest element array में, ये students 66. तो एट द एंड ऑफ पास टू आपके पास दो एलिमेंट्स फिक्स हो चुके हैं। थर्ड पास में क्या होगा? हमारे पास इन दो एलिमेंट्स को हम कुछ नहीं करेंगे चेंज, आपका जो इंटरचेंज है वो सिर्फ यहाँ तक होगा और आपको एक और लार्जेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा। कैसे? फर्स्ट 27, 32 कोई इंटरचेंज नहीं है, देन नेक्स्ट कहाँ पर आएगा? 32, 51 कोई इंटरचेंज होगा, जो भी स्मॉलर है वो ले आएगा। 32, 51 ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है, कोई चेंज नहीं होगा। 51, 23 दीज वैल्यूज विल बी इंटरचेंज, और जो भी आप इंटरचेंज कर रहे हो उसको बबल में शो कर रहे हो। रिमेनिंग एलिमेंट्स एज इट इज, 13, 57, 66, 85, 27, 32, 23। अब आपके पास कहाँ इंटरचेंज करना है हमें? 51 और 13 का कंपैरिजन होगा, 13 एंड 51 विल बी इंटरचेंज, रिमेनिंग एलिमेंट्स एज इट इज। नेक्स्ट कंपैरिजन होगा 51 एंड 57 में, कोई इंटरचेंज नहीं है, एज इट इज ये एलिमेंट्स होंगे। 27, 23 एंड 32 दीज वैल्यूज विल बी इंटरचेंज, 13, 51, 57, 66, 85, 13 एंड 32 विल बी इंटरचेंज ड्यूरिंग पास 4, और ये आपके पास आ चुके हैं पास 4 के एंड पर फोर एलिमेंट्स।
अब कहां पर आएगा नेक्स्ट कंपैरिजन, 23 27, इंटरचेंज दीज टू वैल्यूज, बाकी एलिमेंट एज इट इज आप रखोगे। पास फाइव में क्या आएगा आपके पास नेक्स्ट इंटरचेंज, हाँ जी 13 एंड 27 विल बी इंटरचेंज, रिमेनिंग एलिमेंट्स एज इट इज, ये आ चुका है आपके पास पास फाइव। पास सिक्स में क्या होगा, फर्स्ट कंपैरिजन कहाँ पर है, 23 इज ग्रेटर, इंटरचेंज दीज टू वैल्यूज, बाकी एलिमेंट्स एज इट इज, और कोई इंटरचेंज है यहाँ पर पास सिक्स में? नो, ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर ऑर्डर में है, देयर इज नो नीड टू चेक। पास सेवन में हम क्या करते हैं, एक बार फिर से फर्स्ट टू एलिमेंट्स को चेक करते हैं, सो देयर इज कंपैरिजन ऑफ 13 एंड 23, देयर विल बी नो इंटरचेंज। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर 8, और कितने पासेस में कंप्लीट हो रहा है, 7 पासेस में, n माइनस 1 पासेस में कंप्लीट होता है, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उससे 1 लेस पासेस में आपका बबल सॉर्ट कंप्लीट होगा। Now, this is the program. लास्ट टू एलिमेंट्स को जो आपके पास है उनको फिर से क्रॉस चेक करते हैं कि फाइनली ये हो गया या नहीं। यहाँ पर क्या है, इफ पॉइंटर वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू एन माइनस के, सो डेटा ऑफ पीटीआर इज इक्वल टू, बेसिकली पीटीआर को हमने इंडेक्स वैल्यू के लिए लिया है, दिस इज नॉट पॉइंटर कॉन्सेप्ट जो आप सी में यूज कर सकते हो, वो नहीं है ये। सो डेटा ऑफ पीटीआर इज लेस देन डेटा ऑफ पीटीआर प्लस 1, सो वी नीड टू इंटरचेंज दीज टू वैल्यूज। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस, फर्स्ट आपके पास क्या था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट एल्गोरिथम में, एन माइनस 1 comparisons थे, second pass में n minus 2 comparisons थे, and so on up to 1, यही था, n minus 1 comparisons were there, then n minus 2 comparisons, n minus 3 comparisons, and last में आपके पास सिर्फ दो elements को आपने check किया, so आपके पास क्या n minus 1, n minus 2, and so on up to 1 comparison is there, so this is sum of n natural numbers को अगर आप इसमें लगाते हो, here n value is equal to, हाँ जी n minus 1 into n minus 1 plus 1 divided by 2, and this is equal to n minus 1 into n by 2. Anji? Yes, sir. Yes, ma'am. 1 into n divided by 2, और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या आएगा, n स्क्वायर बाय 2 माइनस n बाय 2, हाँ जी n स्क्वायर बाय 2 माइनस n बाय 2, और अगर आप इसको चेंज करते हो बिग ओ फॉर्म में तो n स्क्वायर बाय 2 माइनस n बाय 2, हाईएस्ट पॉलिनोमियल वैल्यू इज n स्क्वायर, सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट विल बी इक्वल टू बिग ओ ऑफ n स्क्वायर। हाईएस्ट पॉलिनोमियल इज एन स्क्वायर बाय 2, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, बिग ऑफ एन स्क्वायर। कोई डाउट है किसी को इसमें? अब ये स्टूडेंट्स बबल सॉर्ट एल्गोरिथम, एनी डाउट? नो नो मैम। बिस्मन एंड अमर मैम, बबल मैम, बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट में से ज्यादा बढ़िया कौन सा है? बेटा ये जब कॉम्प्लेक्सिटी कंपैरिजन आप करोगे ना, जब आप एडा में करते हो वहां पर आप ग्राफ्स में इसको प्लॉट करोगे, देन यू विल गेट टू नो, आप उनको टाइम को कैलकुलेट करते हो, यहाँ पर हम टाइम कैलकुलेशन नहीं लगाते, वहां आप टाइम फंक्शन लगाओगे हर प्रोग्राम में, उसका टाइम कैलकुलेट करके उसको ग्राफ पर प्लॉट करके आप चेक करके देखो। ओके, हम ये टाइम फंक्शन यूज नहीं करेंगे, टाइम के बेसिस पर ही आप बताओगे कि किसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, प्लॉटिंग करके ही चेक कर सकते हैं बच्चे। ओके, एनी अदर डाउट? हाँ जी सीआरस, आपने अटेंडेंस स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? यस मैम। ओके, सो आई एम एंडिंग दिस मीटिंग, अगर किसी को कोई और डाउट नहीं है तो मैम इसके नोट्स भेज देना प्लीज। इसके नोट्स, ये सारा आपका बुक से ही है, बट स्टिल मैं ये पीडीएफ आपको शेयर करूंगा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे मैम।
PDF शेयर। ऑर्गेनाइज्ड।